हिंदू संस्कृति में हमारे आसपास होने वाली चीज़ों को शुभ और अशुभ संकेतों के साथ माप कर देखा जाता है। और जब बात आती है शुभ विवाह यानी कि शादी की, तो ये मामला थोड़ा और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। जी हाँ, ऐसे ही एक मान्यता है शादी में बारिश होना। कई सारे लोग इसे शुभ मानते हैं तो कई सारे लोग इसे अशुभ। लेकिन क्या शादी के दौरान बारिश होना एक शुभ संकेत है या अशुभ, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। कई संस्कृतियों का मानना है कि शादी के दिन बारिश सौभाग्य लाती है। जिस तरह बारिश पर्यावरण को साफ करती है, उसी तरह ये जोड़े के नए जीवन को भी शुद्ध बनाती है। इस मान्यता के अनुसार बारिश नव विवाहितों के लिए खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। बारिश को प्रजनन क्षमता का प्रतीक भी माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अगर शादी के दिन बारिश होती है तो जोड़े को जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। वहीं प्रजनन क्षमता से जुड़ा ये संबंध कई लोगों के लिए बारिश को शुभ संकेत बनाता है। बारिश यानी हरियाली और खुशहाली, इसलिए विवाह में बारिश होना खुशहाली का संकेत है। वैवाहिक गठबंधन में बारिश की बूंदें पड़ना बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि गीली हुई गांठ को खोलना काफी मुश्किल होता है। अगर कहीं यज्ञ हो और बारिश हो जाए तो इसका मूल अर्थ है देवता प्रसन्न है। विवाह के दौरान वर्षा हो तो उन्हें साक्षात देवी देवताओं का असीम कृपा माना जाता है। इन सकारात्मक मान्यताओं के बावजूद बारिश शादियों के दौरान समस्याएं पैदा कर सकती है। ये व्यवस्थाओं को बाधित कर सकती है और मेहमानों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। कोई भी दुल्हा या दुल्हन नहीं चाहता कि उसका खास दिन मौसम संबंधी समस्याओं के कारण खराब हो, लेकिन अगर देखा जाए तो शादी के दिन बारिश होना अच्छा संकेत है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।